देश आज भी कांग्रेस ही संभाल रहा है। कोरोना काल ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया है। प्रचार मंत्री के बड़े जोर से बचने वाले डंके पर जोर की चोट कर दी है। देश भर में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। हर शहर में कोरोना से कहर मचा हुआ है। मोदी सरकार के आधे अधूरे बंदोबस्त ध्वस्त हो चुके हैं। अस्पतालों के बाहर लाइनें हैं, बेड्स की कमी है, दवाइयों की कमी है और ऑक्सीजन की कमी है, जिनको पूरा करने में मोदी सरकार विफल है। इसी विफलता के बीच फिलीपींस दूतावास और न्यूजीलैंड दूतावास ने मोदी सरकार के नकारापन को और उबार दिया। फिलीपींस दूतावास और न्यूजीलैंड दूतावास ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद मांगी, जिसको युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने पूरा भी कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के कलेजे पर ये चोट ऐसी लगी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बौखला उठे, दनादन ट्वीट किए और दूतावासों के ट्वीट भी डिलीट करवा दी। मोदी सरकार का ध्वस्त हो चुका सिस्टम पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। देश त्रस्त है। प्रधानमंत्री सिस्टम के ऊपर सिर्फ घोषणाओं के नकाब ढकने में व्यस्त है। देश को महामारी से राहत नहीं है। मोदी को लीपापोती से फुर्सत नहीं है।